हे गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आशर। आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ आटे गोंद के लड्डू, जो बहुत ही टेस्टी न्यूट्रिशियस लड्डू होते हैं और इन्हें स्पेशली विंटर्स में ही बनाया जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आटे के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए काजू, बादाम, पिस्ता, नटमेग पाउडर, इलायची पाउडर, चीनी, आटा, देसी घी और गोंद। अब लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करके एक पैन में डालेंगे देसी घी। घी गर्म हो जाए तो डालेंगे काजू, बादाम और इन्हें कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे। अब डालेंगे गोंद और लो टू मीडियम हीट पर इसे फ्राई करेंगे जब तक ये पूरी तरह से फूल जाए। अब इसे निकाल लेंगे और बाकी की गोंद को भी सेम वे फ्राई कर लेंगे। अब इस गोंद को मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। और ड्राई फ्रूट को भी मिक्सी में डालकर दरदरा पीसेंगे। ड्राई फ्रूट को ज़्यादा नहीं पीसना है, नहीं तो ये पेस्टी हो जाएगा। हमें इस तरह से इसे दरदरा पीसना है। अब सेम घी में थोड़ा सा और देसी घी डालेंगे और इसमें आटा डालकर मिक्स कर लेंगे और मीडियम हीट पर लगातार चलाते हुए आटे को भूनेंगे। बीच बीच में एक एक चम्मच करके देसी घी भी ऐड करते जाएंगे और आटे को अच्छे से भूनते जाएंगे जब तक आटे का कलर चेंज हो जाए या गोल्डन हो जाए। आटे को लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनना है और वैसे भी आपके हाथों की मसल्स के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब फ्लेम ऑफ करके इस भुने हुए आटे को हमारे गोंद और ड्राई फ्रूट के मिक्सचर में डाल देंगे और थोड़ा ठंडा करने रख देंगे। जब ये थोड़े ठंडे हो जाए तो इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और नटमेग पाउडर, पिस्ता और चीनी भी डालकर मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हाथों से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकालकर लड्डू की शेप देते जाएंगे। मेक श्योर कि आटा हल्का गुनगुना हो, बिल्कुल ठंडा नहीं। तो अब सेम वे सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। गार्निश करेंगे अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट के साथ। तो देखा आपने, हमारी मेहनत सफल हुई और मेहनत का फल मीठा होता है, यानी कि लड्डू होता है। यम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।